जय किसान। साथियों जदों भी कोई प्रकृतिक आपदा आती है तो आप खबर च भी सुने जी जान माल का बड़ा नुकसान होया। जान माल माल जिवें अपने खेतों च फसल आंदियां वह अपना माल हो गया, जो कोई होर नुकसान हो गया, कोई मकान डिग पिया, तो जान हुंदा जिवें कोई अपना कोई साथी दा हो जाए, जे पिंडां च पानी वड़ जाए, कोई पशु मर जाना जां कोई आदमी दा होवे। सो इस टाइम माल का नुकसान पूरा हो चुका है जी, वह आप रोक नहीं सकते, तो जान बचानी जरूरी है जी, क्योंकि आ जड़ी अगर चल रही आप खड़े हैं शेकू खड़े शेकू खेड़े को खड़े हैं, इधर नाल पिंड शेकू खड़ा है। अगे जड़ी घग्गर चलती पी थी एक छोटा जा सूआ ही बन के रह गई थी 50 फुट, क्योंकि दोवें पासे जिमीदारा ने छोटे छोटे बन ला के आप दियां फसलां बीज रखिया ही, ते जिंदे करके पिछे दबाव पै रहा सी, ते नाली टुट रही थी कदी किते, ते कल मान लो जो पानी वध्या ते इधर पानी वधन करके फुट कोई रह गया, तो फिर आ साथी खड़े ने सारे पहला उधरले बनो शुरू होए राणी वाले बनो उधरले बनो इन्हें बन थोड़े आपदे पहला शुरुआत की भी, क्योंकि जी धार 50 फुट की सी 50-60 फुट की ही, पानी आ रहा ही 40-50 हज़ार क्यूसिक, जे एक खाले च 5 नहर का पानी छड़ दी तो खाला टुटेगा ही। हालात यही थी भी 50-60 फुट च इन्ना पानी थी, डुबण का खतरा हो गया सी, क्योंकि माली नुकसान हो गया ही है। जेडे तटबंध के बच्चे जिमीदार फसल बीजते ने, चल इस बार पानी आया, अगली बारी जो नुकसान होया तो इन्हें मिट्टी भी पेगी, मान लो पहाड़ा की जमीन भी उपजाऊ होगी। कोई भी खुशी नाल बन नहीं तोड़ता, ये सारे जो पता लगे भी ये नाली टुट गई तो सारा एरिया ही तबाह कर देगी। सो इस करके इन्हों सारे वीर ने सलाह करके उधर बन शुरू होए तो बन तोड़ने शुरू किए, क्योंकि जो 50-60 फुट का पहाड़ है ओनू 1000 फुट का करिए, जे पानी जरा 50-60 फुट चलन दिया है ते ओ हुण 1000 फुट चल रहा है। जेडे वड्डे हां पंज जेडे वड्डे बन ने विखाए इधर जगे वड्डे बन ने ओवे ही ने मजबूत ने, ते इस करके पिंड बचन परां फसलां बचियां खड़ियां। आ जेड़ा पिंड वाला एरिया सारा 15-20 फुट नीवा है जी, जे इधर टुट दी है ते पिंड सारे डुब दे ने, पिंड जे टुट जांदी आ सारा एरिया तबाह होणा सी, ते हुण नाल ही इधर विखाओ जी किन्ना पानी चल रहा है, इन्ना पानी 50-60 फुट च नहीं चल सकता जी, ते बन तोड़ने मजबूरी सी इन्हां शुरुआत आपदे ते कीती है, क्योंकि बाहरला इन्ना एरिया जी ओनू बचाने वास्ते जो कोई किश्ती डुबदी हो जो मान लो उन्दे च वेट ज्यादा हो भावे सुनना ही हो सटना पैंदा, सो कोई खुशी नाल नहीं तोड़े, सारे एरिया बचाने वास्ते बन तोड़े ने। सरपंच साहब जसकरन कंग जी दसो दिओ विचार आपदे जी। सारे साथियों नूं सति श्री अकाल। साथियों गल इह आ वी बाहर दी जिहड़ी पोजीशन आ बहुत ही खतरनाक आ, हजे 1.5 फुट पानी होर चढ़ना, तो इस करके राखी बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के बेनती है मेरे भरावां नूं भी जिहड़ा भी साथी मतलब ये आवाज साडी सुणदा, कोई भैन साडी सुणदी आ ओह रोटी पानी दा सहयोग करे, तो साडे भरा इत्थे मतलब ड्यूटियां देण परमानेंट आके, एक दिन ते एक रात दी गल आ, क्योंकि जिहड़ा ओटू वाला अपना पनसाल सी ओह फेल हो चुकी आ ते सरदूलगढ़ वाली कल दी फेल होई आ, ते जो अंदरले बन्न दी जिवें नंबरदार जी ने दस्सिया ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 7 ਫੁੱਟ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, 2-3 ਬੰਨ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਫੁੱਟ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ
मतलब इतने साथियों की पानी की ठंडा जो भी चीज की उन्होंने मतलब कोई डिमांड करते हैं जो आपके आप आपके लेवल से लैके आते हैं तो यह संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े पिंड नहीं हो इलाके नहीं हो क्योंकि ये नहीं है भी कई फट के इतने राखी करनी है सहयोग बहुत तरह का होंगे उस सहयोग के कोई बंदा कई नहीं चला सकता होर पैसे का सहयोग कर दिता चाह पानी का कर दिता हरेक बंद सहयोग न ये जी चल रहा जी सेवा चला रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े सारे पिंड नहीं इलाका वास संगत भी विखा दी संगत विखा दी कि चलो चौड़ी चल रही है उधर ही विखा दे कि जा रहा है राजस्थान जा रहा है ये बन है जी जिथे केली फस गई थी पहले दिन सुनीता दुग्गल कुत्ते खानी करा के गई है ठीक है दारा खड़ा वीर अपना ते ए जेड़ा हम देखो जी एडी चौड़ी आ घर चल रही है ते चलो कोई गल फैन आ गया इनी चौड़ी चल रही है ते कम की थी भी पहला ना नदी टूटेगी क्योंकि पिछो अगे जरा ओटू तू थले डिगद ही बराबर हो गया ही अगो पानी की निकासी नहीं सी जरा नाली दे ने फसल बीज रखा ही आपदे आपदे छोटे बन बना रखे ही नदी जड़ी सी सिर्फ 50-60 फुट नहीं चल रही होनी है फिर सारे जने रल के सलाह की दो बंदे चल भी चल पा हां इधर पहला सारे नकोड़े तोड़ते गए सारे बन तोड़ते भी ये जड़ी कारे चोरी होवे फिर ओ दे विचो कई जने ने इतराज किया केड़े थी पिंड वाले भाई कितना तोड़ के जे ना बन तोड़े गए ते जड़ी 50-60 फुट नु जे 1000 फुट चोरी ना की गई तो नाले टुटने का खतरा ही साडे नाल हरविंदर भी खड़ा है दारा सिंह खड़ा है ते ए भी दसण गए गा तियो जमे कि तानू पता भी घग्गर दा जेड़ा धार धार चल पे वेखी चल पे सासीकाल साथियो लाइव ते नेटवर्क दी थोड़ी प्रॉब्लम सी इस करके थोड़ा कनेक्ट दोबारे होया ते दसदी है वे जिस तरह पानी घग्गर नदी दा पानी दा लेवल वध रिया तुसी देख्या होणा भी चल भी कर चल पे ओटू के जेडे थम लैवल जो बिल्कुल बराबर पानी चल रहा है तो पानी की जी लगातार जी बढ़ोतरी 5 to 6 inches लगभग कल की जी फुट तो 1.25 फुट के लगभग जी नाली चढ़ी है तो तुम लाइव देख सकते जो झोना सामने से तू दिखता सो पूरा डुब चुका है पर देखो एक किसान मजदूर तो लोगों की ताकत है भी लगातार जेडे बन के उत्ते रात दिन पहरा दे रहे हैं जिस तरह हम साडे नेतावान ने किसान जथेबंदियों ने जेडे नाली दे विच बन लगे थे उन्होंने तड़ाया तो हूँ जी नाली आ लगातार जोड़ा पानी का लैवल वो इक्वल चल रहा बराबर चल रहा तो मैं सारे ही साथियों बेनती एक होर कर साथियों जोड़े बच्चे तो लेडीज लैके इतने आ रहे हैं पिकनिक मुका वास्ते कोई पिकनिक नहीं गी ये एक दुख की घड़ी आ सारे इलाके वास्ते जे घग्गर नदी नू किसे अभी नबी हुंदी आ ते किसान की फसल मर जानी है ते मजदूर नू घर नहीं लभना है इस करके मैं सारे ही साथियों नू बेनती करदा भी लेडीज़ नू ते बच्चियां नू ना लैके आओ एक ते होर पिकनिक मनाउण जायो ये कोई पिकनिक मनाउण दा समा नहीं गा ते इन्नी क बेनतियां कबूल करियो ते पानी लगातार घग्गर नदी का वध रहा आ ते मैं सारे ही साथियों नू बेनती करदा भी साथियों रात का टाइम आ दो दिन आपां नू पहरे की लोड़ आ ये टिकरी पहरा लाइए जिस तरह मैं रात 12 to 2 बजे तक लगभग असी ओटू तक सर्वे किया भी पिंडा जिन्हां दे मत्थे घग्गर लगती है पिंडा दे वो सारे ही साथी लगातार जिहड़ा पहरा देण दा काम कर रहे आ ते मैं सारिआं नूं इक वार परमात्मा अग्गे अरदास करदा भी इहो जिही आपां नूं घड़ी ना देखणी पवे ते आपां नूं थोड़ी जिही